हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू पूरी रेसिपी। तो क्या है ना कि आज न्यू वाला आलू जो है आज पहली बार ही खरीद के लाए हैं, तो हम सोचे कि इसका पूरी बना लेते हैं, तो क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं नया आलू जो अभी आया है, आज ही खरीदे हैं, पहले बार ही आज मिला है। तो हम सोचे कि आज हम पूरी ही बना लेते हैं, क्यों ना हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 केजी आलू लिए हैं और इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार फ्रेश पानी से धोकर फ्रेश कर लिए हैं और इसे हम कुकर में डाल दिए हैं और इसका ढक्कन बंद करके और 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे, क्योंकि ये आलू है थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो चलिए चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिए हैं और इसका ढक्कन बंद कर दिए थे और इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक, कम से कम 5 सीटी आने तक पकने देंगे। अब चलते हैं डो रेडी करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिए हैं 4 कप बड़ा कप से आटा, मतलब 1 केजी है, 1 केजी तक लिए हैं। कप से बोलेंगे तो 4 कप आटा लिए गेहूँ का और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं, थोड़ा सा अजवाइन और इसे हम इस तरह से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट बेट डो तैयार कर लेंगे। सॉरी, वेटर बुला रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। इस तरीके से तो देखिए इस तरह से हम डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर डो बनकर रेडी है और इसे हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ढककर सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद ही पूरी बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं आलू फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिए हैं हम 6-7 हरी मिर्च जिसे हम काट लिए हैं और आज हम पत्ता वाला प्याज ही लिए हैं, क्योंकि पत्ता वाला प्याज मिल रहा था तो आज यही लेकर आए हैं। तो इसे भी हम धोकर काट लिए हैं और यहाँ पर हम अदरक और लहसुन कूट लिए हैं, कूटा हुआ है अदरक लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ हम गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे और कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे 2 चम्मच। और तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा चटकने के बाद जो हरी मिर्च प्याज काट कर रखे थे वो डाल देंगे। और डाल देंगे प्याज जो काट कर रखे थे और इसे हम कुछ देर पकने देंगे और इसमें अब डालेंगे कूटा हुआ
अदरक और लहसुन के पेस्ट, और इसे भी हम कुछ देर भून लेंगे क्योंकि इसका कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, इसलिए इसके बाद ही इसमें मसाला डालेंगे। ये अच्छा तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, भून गया है अच्छे से, और इसमें हम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर लिए थोड़ा सा हल्दी आधा छोटा चम्मच से कम, और काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर सब हम डाल देंगे। और इसे हम चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। और मसाला के हम पकने देंगे, गैस के मीडियम ही रखेंगे, मसाला को तब तक पकाएंगे जब तक मसाला से तेल ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पर हम आलू जो उबालने के लिए डाले थे कुकर में, आलू पक गया था अच्छे से, उसके बाद ठंडा होने दिए थे। उसके बाद हम इसका छिलका हटा दिए हैं, और इसे हम अब मसाला फ्राई होने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे। तो मसाला फ्राई हो गया है, और इसमें हम आलू डाल देंगे, आप चाहे तो तोड़ कर भी डाल सकते हैं। प्लेट में आलू ले लीजिए और नमक डाल के, और इसे अच्छे से गिलास से मिक्स करके डाल सकते हैं। हम ऐसे ही डालेंगे, कढ़ाई में मिक्स करेंगे। और इस तरह से गिलास से मिक्स करेंगे, इसमें आटा लगा हुआ है, मेरा आटा वाला हाथ है इसलिए। फिर इस तरीके से आलू को हम तोड़ देंगे। मेरा गाला फंसा हुआ है थोड़ा, देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसे हम कुछ देर और भून लेंगे, और लास्ट में धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, पर हम नहीं डाल रहे हैं। और देखिए मसाला अच्छे से भून, और आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। तो गैस बंद कर देंगे, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद भी तो यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम सरसों तेल डाल दिए हैं, और तेल गर्म हो रहा है तब तक चलते हैं। तो यहाँ हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं, आप चाहे तो सूखा आटा से भी बना सकते हैं। और इस गोल गोल लोई रेडी कर लेंगे। ये देखिए और इसमें हम स्टफिंग भर देंगे, चम्मच से भरिए और चाहे हाथ से। और इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए, और इसे हम चकुला पर, चौकी पर, बेलन चौकी पर बेलेंगे, नहीं ठोक देंगे, इस तरीके से बेलेंगे तो फट जाएगा। चाहे तो हाथ पर भी बना सकते हैं, और चकुला पर भी बन इस तरह से ठोक सकते हैं।
देखिए इस तरीके से पूरी बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम पूरी जो बनाकर रखे थे वो डाल देंगे। दो तीन करके डाल सकते हैं लेकिन हम अभी एक ही डाल के बना रहे हैं। और गैस की हम मीडियम ही रखेंगे, हाई करेंगे तो जल जाएगा, जिससे अच्छे से ये पक जाए। और इसे हम पलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक पकने देंगे। देखिए इस तरीके से हम पलट पलट कर पकाएंगे इसे हम, और इसे हम पलट देंगे। देखिए दोनों बगल अच्छे से पक गया है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी जो बचा हुआ है उसे भी हम सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो देखिए सारा पूरी बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है, फूला फूला बना है। और आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आलू पूरी वाली रेसिपी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।